गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी टाइम हुआ है सुबह के 10:30 और मैं नहा के तैयार होके और मेरा पूजा पाठ ख़त्म, अभी ब्रेकफास्ट होगा, इडली खाएंगे हम लोग। तो ये देखिए सारा पैकिंग हो गया, तो होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एक्चुअली आज हम जा रहे हैं तिरुपति, तो बहुत दिन के बाद ट्राई कर करके एकदम, मतलब बहुत दिन हो गया, 1 साल से हम ट्राई कर रहे, टिकट नहीं मिल रहा, तो फाइनली मिल गया। वो तो पूजा ख़त्म करने के बाद कह सकते हैं, लेकिन तो अभी सुबह के मेरा पूजा भी हो गया। देखिए तो देखिए घर एकदम धुआं धुआं, पूजा भी हो गया तो ब्रेकफास्ट होगा अभी, और ये सारा पैकिंग भी हो गया, दिखाती हूँ। ये एक ही बैग हुआ है तो इसमें हमारा हम दोनों का हो गया, और यहाँ पे जो कुछ छोटा मोटा गिरा के मैं रखी हूँ, ये चूड़ी भी मैं ट्राई करके भी लेके जाऊँगी पूजा के। और बेड का हालत देखिए, कल रात को मैं इसे पैकिंग कर रही थी तो इसको भी अच्छे से नहीं, मैं सजाई नहीं हूँ, तो ये रहने देते हैं, ये आने के बाद मुझे लगता है होगा, और जो भी कुछ होगा। ये रेड शंखा है तो मैं चलती हूँ इसको ट्राई करके फिर, क्योंकि मंदिर जाऊँगी तो इसीलिए मैं इसमें भी एक एक लगा लूँगी, ये बहुत अच्छा लगता है। और पतला वाला भी है, मेरा ड्रेस भी देखिए पिंटू का ड्रेस, तो ये सारा छत से ला के मैं कैसे गिराई हूँ, ये आने के बाद जो कुछ होगा। और नेल पॉलिश भी निकाल के रखी हूँ, ये स्मार्ट वॉच भी, इसको पहन के जाऊँगी, जो लाई थी गिफ्ट मिला था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए इतना ही, और पैकिंग में कुछ नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा दिन भी नहीं रहेंगे, बाद जाएंगे, कल एक दिन रहेंगे तो फिर परसों निकलेंगे, तो इस ना दो लगेज क्यों करेंगे, तो एक बड़ा में हम दोनों का हो गया। ये देखिए पुष्पा जा यहाँ ऐसे ही है, तो अभी क्या, चलो हम लोग रास्ते के लिए, हम ट्रेन में जा रहे हैं तो कुछ लेके जाएंगे, घर का खाना मैं सोच रही हूँ लेके जाऊँगी, अच्छा लगेगा। और तो मैं सोच रही हूँ राइस और चिकन लूँगी, बहुत अच्छा लगेगा, डिनर करेंगे। तो हमारा ट्रेन भी है 8 या 8:30 ऐसे कुछ हुआ है रात को, तो ये सारा मैं अभी रखूँगी, तो जल्दी जल्दी मैं थोड़ा हूँ तो इसलिए बात भी नहीं कर सकती हूँ अच्छे से। तो मैं आपसे मिलती हूँ जाने के टाइम, क्योंकि बहुत टाइम, थोड़ा खाएंगे चिकन करके फिर वो भी लेके भी जाएंगे, तो बनाना है अच्छे से, और कुछ थोड़ा बहुत पैकिंग भी करना है जो कि छोटा मोटा चीज़ है। तो ओके गाइस, चलिए मिलती हूँ बाद में आपसे। सच बोलूँ तो नॉनवेज खाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो दोना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एकदम स्मेल नहीं छोड़ता है यहाँ से, तो मैं ये बहुत काम करती हूँ कभी कभी ऐसे, नहीं तो पिंटू कर देते हैं, जब लेके आते तो तुरंत करके धो के रख देते हैं, लेकिन आज पिंटू का इतना काम है ना, और जाएंगे भी तो वो नहीं उठ रहे टेबल से, और उनका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं, इसीलिए मैं सोची हूँ रात को लेके जाऊँगी राइस, नहीं तो मैं रोटी भी ले जाती, अच्छा लगता है रोटी चिकन। क्या है ना, उनका पेट थोड़ा ठीक नहीं है तो रोटी खाने से ज़्यादा कुछ होगा, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि राइस लेने के लिए। और उनको बुखार भी बहुत जोर से आया था रात को, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन पिंटू नहीं मान रहे, इसीलिए कि वो तिरुपति का टिकट ठीक से नहीं मिल रहा है। तो कल रात को भी मेडिसिन खाए थे, तो मुझे थोड़ा डर भी है क्योंकि आने के टाइम बहुत टायर्ड होंगे, तो ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए, भगवान के पास जा रहे, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, चलिए मैं ये सब बना के आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर बिठाए राइस, तो यहाँ पर थोड़ा सा है मसाला, तो मैं और नहीं करूँगी, इसमें जितना हुआ उतना ही कर लूँगी, तो और ये एक ही साथ कर दूँगी, तो इसको लेके हम खा लेंगे, अभी कर दूँगी गरम करके, थोड़ा ले जाऊँगी। और जो है क्या, राइस, राइस तो बिठाए, अभी चलती हूँ मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब हम लोग अभी स्टार्ट हो गए तिरुपति के लिए, तो लगेज देखिए, तो टाइम हुआ है 6:45, ये दो लगेज हुआ है, एक तो है हमारा ड्रेसेस जितना भी है, और ये है खाना, इसमें खाना पैक कर दी, और मैं टी भी नहीं पी हूँ तो टी इसमें है, टी लेके जा रही हूँ। ये है मेरा टी, अब जिसको ज़्यादा प्यार करो उसका कुछ ना कुछ चीज़ रहता है आपके पास, तो ये है दीदी की, मैं इसे लेके जा रही हूँ टी, अभी लेके जा रही हूँ टी, अभी प्लेटफॉर्म में पी लूँगी पहले, इसके बाद जो कुछ। चलो पूजा पाठ भी हो गया और बाहर भी अच्छे से पानी दे दी, तो चलो कि गाइस चलिए मिलते हैं स्टेशन में। वो कुछ सारा गिरा दी और ये सूख जाएगा, इसलिए इसको एक ओपन रख के जा रहे हैं। चलो
पेंटू पकड़ेंगे वो। पिंटू की तबीयत ठीक नहीं है, पिंटू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी कैंसिल करने के लिए, लेकिन पिंटू मना किए तो चले जाएंगे, चले जाएंगे। पिंटू को कल रात को बहुत जोर से बुखार आया था और दिन भर भी काम कर रहे हैं। चलो आने के बाद फिर बहुत टायर्ड हो जाएंगे भी, इसीलिए मैं रोटी भी नहीं बनाई पिंटू को। पिंटू के पेट भी थोड़ा गड़बड़ी है, तो इसीलिए मैं राइस लेके जा रही हूँ। बहुत अच्छे से पैकिंग की हूँ, अभी से तो मुझे मन कर रहा है जाके ट्रेन में बैठ के खा लूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा अलग मज़ा होता है। आगे हम लोग आठ बज गया, लेडीज बैग पिंट पकड़े हैं। मेरा भी हेडेक स्टार्ट हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। मेडिसिन खाई थी? हाँ, मैं पहले टी पीऊंगी। नहीं पता नहीं लोग इतना जर्नी कैसे करते हैं, घर से निकलू तो हेडेक स्टार्ट। नाइट डिनर मील्स आगे तो बैठे और थोड़ी देर बाद खाएंगे। पिंटू गए हैं कहाँ, लोग भी है। मैं सोच रही थी इतना लोग नहीं होंगे, तो लोग भी है। टाइम हुआ है 8:30 नहीं हुआ है, तो फास्ट है तो फिर लेट में खाएंगे। अभी भूख भी नहीं है, चाउमीन खाए थे, तो थोड़ी देर बाद मैं पीऊंगी टी। Thank you.
पिंटू को ज्यादा भूख है। पिंटू आपको भूख लग रहा है ना? 9:10 है अभी तो पिंटू बोल रहे खाने के लिए। खाके सो जाएंगे और हम दोनों को ये साइड सीट मिला है तो बहुत बढ़िया भी लग रहा है। पिंटू देखिए एकदम मैं चली जाऊंगी ऊपर और पिंटू नीचे खा लेते हैं। और यहाँ कोई यहाँ पे एकदम खाली है तो कोई नहीं तो चले खा लेते हैं। लग रहा है मैं कल कुछ घूम नहीं पाऊंगी क्योंकि पिंटू एकदम टायर्ड होके पड़े हैं। खाली मंदिर जाएंगे, मंदिर से आ जाएंगे। आ गया, ये कौन सा है? केयरपुरम। केयरपुरम फिर आए। चलिए हम लोग खा लेते हैं। अभी मैं थोड़ा टी पी ली, बहुत अच्छा भी लगा। तो चलो खाना निकालते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लेके आए हूँ, कितना अच्छा। उठो ना, पैर उठाओ, चले करे। तो ये वन बॉक्स है पिंटू के, मेरे एक तो हम लोग दोनों खा नहीं पाएंगे, मुझे पता है। ये बहुत मतलब बड़ा बड़ा बॉक्स है, जितना भी खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। और रोटी पिंटू के लिए मैं लेके नहीं आ पाई क्योंकि तो मेरे लिए अकेले मुझे मन नहीं किया खाने के लिए। तो ये है दो राइस और इसमें है चिकन का जो कस्सा, लाइट थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है। ये है पिकल और है दो कड़, तो ये कड़ है। इसमें कुछ ऑयल निकल गया तो टिक्के ऑयल बाहर पड़ते थे, इसे खाओ। इसमें ऑयल निकल गया चिकन से। एक बक्से ही दोनों के, हम एक ही खा रहे हैं, इसको रहने देते हैं। ऑयल लगे दीदी, फाइनली आ गया हमारा चिकन।
पे बज रहा है अभी 4:15, आके पहुंच गए। ट्रेन एकदम राइट टाइम था तो मुझे एकदम नींद नींद टायर्ड लग रहा है, बिल्कुल नहीं सोई हूँ रात भर। तो 4:15, हाँ 4:15 हुआ है अभी। तो चलिए मैं अभी थोड़ा रेस्ट लेके फिर निकलेंगे, 8:30 बजे ऊपर जाएंगे तिरुमाला तो भगवान के दर्शन के लिए। पूजा है 12 बजे तो हम लोग जाएंगे एक्चुअली यहाँ से, तो 1 घंटा तो लगता है। मुझे याद नहीं है ठीक से, मैं बचपन में आई थी, कुछ भी याद नहीं है, ये मेरा 2nd टाइम है। तो चलिए गाइस मैं थोड़ा रेस्ट, रात भर बिल्कुल नींद नहीं आई। ट्रेन में एक छोटा बच्चा था तो उसको क्या एकदम उल्टी 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 आ रहा था, बिल्कुल रो रहा था, तो बिल्कुल नींद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही थी चिकन राइस खा के ऊपर जाके आराम से नींद में सो जाऊंगे, लेकिन बिल्कुल नींद नहीं आई। तो चलिए रूम, यहाँ पे रूम ना सारा ठीक ठाक, मतलब क्लीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप का है रूम, सारा रूम 3-4 रूम देखा मैंने, तो इस टाइप का है, चलेगा, अच्छा रूम है। और गर्मी है, थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, ट्रेन में पता नहीं चलता था एसी के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा गर्मी लग रहा है, तो यहाँ पे भी एसी चाहिए। और बाहर भी अभी गर्मी लग रहा है, घूमने के बाद आपको पता चलेगा कि घर में पता नहीं चल रहा था बेंगलोर में, यहाँ पे थोड़ा गर्मी लग रहा है। तो ओके गाइस के लिए शैम्पू वैम्पू करना है, फिर से मुझे लग रहा है फिर से सर्दी हो जाएगा, परसों में शैम्पू की थी, फिर आज फिर से करूँगी तो हेयर एकदम ख़राब होगा, मुझे पता है। और ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं करेंगे, जाके वहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद करेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ जाने के टाइम में।